जैन प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की भर्ती के बारे में, क्योंकि बहुत सारे डाउट यहाँ पे हो रहे थे कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा, पोस्टपोन हो जाएगी सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए साउथर्न रीजन का मैं आप सभी को एडमिट कार्ड का ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक और रीजन का जो एडमिट कार्ड है वो आने स्टार्ट हो गए हैं और उसकी जो एग्जाम डेट और सिटी है वो भी दिखाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मैं फिलहाल एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर ऑप्शन जो मिलेंगे आपको जाना है एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर, आपको सबसे पहले पहुँचना है। एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर पहुंचने के बाद यहाँ पे आपकी जितनी भी रीज़न की जो भी वेबसाइट है वो सभी यहाँ पे दे रखी हैं। तो यहाँ पे जिस भी रीज़न का आपको चेक करना हो उसका रीज़न का चेक कर सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड आ गया होगा तो आपको शो कर देगा, बट आपके जो जो रीज़न के एडमिट कार्ड आ चुके हैं उनका मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी बात करें, देखिए साउदर्न रीजन का मैंने आप सभी को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अभी जो बात करें ईस्टर्न रीजन का भी, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है, उसके लिए मैं यहाँ पर आप सभी को लाइव दिखा देता हूँ। चलिए, जैसे ही आप ईस्टर्न वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने ईस्टर्न रीजन की जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से खुल के आएगी, और यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ में जो आपका 3 नवंबर 2021 को अपडेट किया गया है यहाँ पे स्टेटस चेक करने के लिए। तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है, स्टेटस वाले पे। स्टेटस के साथ साथ आप सभी को जो आपके डेट वगैरह है वो भी दिखा देगा, बेफिक्र रहिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी कुछ भी डालना है, कैंडिडेट का नाम डालना है जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में डाला गया, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या है इसका जो समय यानी टोटल जो आपसे पूछे या माइनस पूछे वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। अब देखिए मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहेगा कि सही है या गलत, तो वो भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये फिल करने के बाद जैसे ही आप देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सभी को जो प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, तो जो इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिएंगी वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी गई है, नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पे, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें जो एग्जाम सेंटर पे लेके जानी है, अदरवाइज आपको एग्जाम सेंटर में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने जो है एग्जाम की जो पूरी डिटेल है वो ऑप्शन खुल जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज CAPFS NIA SSF एंड राइफलमैन GD इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, फिर एप्लीकेंट का नाम मिल जाएगा, और फिर फादर्स नेम मिल जाएगा, और DOB यहाँ पे दी गई है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं 16 नवंबर 2021 यहाँ पे क्लियर मेंशन है, यानी 16/11 से आपका एग्जाम स्टार्ट होना था, तो इनका फर्स्ट डे एग्जाम है। हमारी तरफ से इनको वेरी बेस्ट ऑफ लक, और यहाँ पे देख सकते हैं 2:30 बजे से इनका एग्जाम होना, और सिटी दी गई है एग्जाम सिटी कोलकाता इनकी एग्जाम सिटी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आना स्टार्ट हो गया। ऑफिशियली मैंने आप सभी को एकदम चेक करा दिया है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे सभी का जो भी डाउट वगैरह है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और की तरफ चलते हैं, वो भी मैं आप सभी को शो कर देना चाहूँगा, जैसे कि आपके जो भी डाउट रहें वो सभी यहाँ पे क्लियर हो जाएं। उसके बाद बात चलते हैं कि यहाँ पे साउदर्न रीजन पे, तो साउदर्न रीजन पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर का दिया हुआ है। सब इंस्पेक्टर के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, सेकंड नंबर पे आप सभी को दिखेगा, फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड CND, और उसके बाद नीचे आपको दिखेगा कांस्टेबल GD का। तो इसमें आप सभी को दो ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि अगर यहाँ फर्स्ट वाली लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो नो द एप्लीकेशन स्टेटस, तो इस पर एप्लीकेशन स्टेटस और डेट के लिए अलग अलग दे रखा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को दिखा देगा कि आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो यहाँ पे शो कर देगा, और उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो आपका जो डेट एंड टाइम वगैरह दिया गया है और जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होना है उसकी डिटेल दिखा देगा। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो जो भी कैंडिडेट हो, जिसके पास भी डिटेल हो, जो भी साउदर्न रीजन से बिलोंग करता है, वो इसमें डिटेल फिल करने के बाद, क्लिक करने के बाद अपना पूरा चेक कर सकता है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नो द रोल नंबर डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप सभी को शो करने लग जाएगा। तो यानी ईस्टर्न रीजन का आप सभी का आ चुका है, साउदर्न रीजन का भी आप सभी का आ चुका है, और धीमे धीमे करके जितने बार आपकी जो भी रीजन है ऑल ओवर इंडिया के सभी के आप सभी को शो करने लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी डाउट है वो डाउट यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई डाउट है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप सभी को उसके रिप्लाई कर दूंगा। तो फिलहाल के लफड़े में आपको इस लफड़े में नहीं पढ़ना है कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं क्योंकि कोई कुछ भी बोल दे रहा है फिलहाल की स्थिति में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं, आपको डेट क्लियर पता चल रही है, आपको सिटी पता चल रही है, तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि आपका कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। अब देखिए इसके अलावा जो आपकी ये वेबसाइट है, इस वाली वेबसाइट पर भी बहुत जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन में जाके आप यहाँ से जो भी रीजन की वेबसाइट हो वहाँ पे जाके क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाओगे और यहाँ पे भी डायरेक्टली आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इसके अलावा जो आपकी एक CRPF की वेबसाइट है उस पर भी आपको जो एडमिट कार्ड की लिंक होगी वो प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी जिसकी वेबसाइट पर भी, जिस रीजन की वेबसाइट पर भी आपका स्टेटस वाला अगर ऑप्शन आ रहा है तो स्टेटस वाले ऑप्शन में डाल के चेक करते रहिएगा, हो सकता है कि आपको डेट और एग्जाम सिटी आप सभी को शो करने लग जाए। एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही आपके जो लगभग 7 दिन पहले होंगे आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो भी आपके डाउट रहे होंगे वो सभी डाउट यहाँ पे एकदम क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा कुछ भी कोई भी बात हो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो साथियों फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। स्टार्ट हो गया ऑफिशियली, मैंने आप सभी को एकदम चेक करा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे सभी का जो भी डाउट वगैरह है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और की तरफ चलते हैं, वो भी मैं आप सभी को शो कर देना चाहूँगा जैसे कि आपके जो भी डाउट रहे वो सभी यहाँ पे क्लियर हो जाएं। उसके बाद बात चलते हैं कि यहाँ पे साउदर्न रीजन पे, तो साउदर्न रीजन पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर का दिया हुआ है। सब इंस्पेक्टर के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, सेकंड नंबर पे आप सभी को दिखेगा फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड CND और उसके बाद नीचे आपको दिखेगा कांस्टेबल GD का। तो इसमें आप सभी को दो ऑप्शन देख जाएंगे, जैसे कि अगर यहाँ फर्स्ट वाली लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो नो द एप्लीकेशन स्टेटस, तो इस पे एप्लीकेशन स्टेटस और डेट के लिए अलग अलग दे रखा है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को दिखा देगा कि आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो यहाँ पे शो कर देगा। और उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो आपका जो डेट एंड टाइम वगैरह दिया गया है और जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होना उसकी डिटेल दिखा देगा। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो जो भी कैंडिडेट हो, जिसके पास भी डिटेल हो, जो भी साउदर्न रीजन से बिलोंग करता है, वो इसमें डिटेल फिल करने के बाद, क्लिक करने के बाद अपना पूरा चेक कर सकता है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नो द रोल नंबर डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप सभी को शो करने लग जाएगा। तो यानी ईस्टर्न रीजन का आप सभी का आ चुका है, साउदर्न रीजन का भी आप सभी का आ चुका है और धीमे धीमे करके जितने बार आपकी जो भी रीजन है ऑल ओवर इंडिया के सभी के आप सभी को शो करने लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी डाउट है वो डाउट यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप सभी को उसके रिप्लाई कर दूंगा। तो फिलहाल के लफड़े में आपको इस लफड़े में नहीं पढ़ना है कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं क्योंकि कोई कुछ भी बोल दे रहा है फिलहाल की स्थिति में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं, आपको डेट क्लियर पता चल रही है, आपको सिटी पता चल रही है, तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि आपका कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। अब देखिए इसके अलावा